पढ़ने जा रहे हैं समाकलन। समाकलन को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन। इसका इस तरह से निशान होता है, ठीक है। अगर मान लो इसका मेन फॉर्मूला एक्स एन है, ठीक, तो इसका हम समाकलन करते हैं तो इसका आंसर होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अब मान लो मेरे पास पहला क्वेश्चन है एक्स टू द पावर फाइव, तो एन की जगह फाइव हो गया ना, तो इसका आंसर हो जाएगा x के पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1। तो x के पावर 6 अपॉन 6, यहाँ पे प्लस c यानी कांस्टेंट लिखा जाता है जब हम समाकलन करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें समाकलन करना है x ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये ऐसे करके लिखा जाता है। तो इसमें देखो अभी कई चीज़ों का मिलके बना है, तो हम इसको ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आप बाहर रख लो, ये बन गया एक्स स्क्वायर, ये बी बाहर आ गया, ये बन गया एक्स, ये सी हो गया, ठीक। यहाँ एक्स के पावर क्या है, टू, एक्स का पावर क्या है, टू, तो ये ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बनाना, टू प्लस वन, और टू प्लस वन नीचे भी आ गया, ठीक है। अब ये b हो गया, x के पावर 1 है तो 1 प्लस 1, नीचे भी 1 प्लस 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जब किसी के साथ कुछ भी नहीं होता तो वहाँ पर हम x लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, x लगा देते हैं। अब ये हो जाएगा x के पावर 3 बाई थ्री, एक्स के पावर 2 बाई टू प्लस सी एक्स, और एक कांस्टेंट वैल्यू कैपिटल C। तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए एक अगला क्वेश्चन, मान लीजिए हमारे पास इस तरह से एक क्वेश्चन है, उसका हमें समाकलन करना है एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो भाग किया जा रहा है ना, और हमको अब इसका समाकलन करना है, तो हम सबको अलग अलग भाग कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर, सबका अलग अलग समाकलन करते हैं। तो ये देखो कटेगा तो ये एक्स बचेगा, ये कटेगा तो केवल फाइव बचेगा, ये कटेगा तो फोर अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक। अब इसको हमने समाकलन इसका किया, एक्स के ऊपर वन प्लस वन, नीचे भी वन प्लस वन, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमने साथ में फाइव एक्स लिखा, अभी हमने पीछे आपको बताया। अब यहाँ पर ये फोर है, ये अगर ऊपर पावर जाती है तो एक्स के ऊपर माइनस टू हुई कि नहीं, यानी एक्स के ऊपर माइनस टू प्लस वन, नीचे भी माइनस टू प्लस वन, कोई दिक्कत आई। अब देखिए एक्स के ऊपर टू बाई टू, यहाँ पर ये फाइव एक्स, यहाँ पर ये माइनस वन हो जाएगा, है ना, यानी माइनस फोर एक्स के ऊपर माइनस वन। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस फाइव एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस सी, तो ये इसका समाकलन हो गया। फॉर एग्जाम्पल फोर ई थ्री एक्स प्लस वन, ये जो है अगर इस तरह के क्वेश्चन का समाकलन करना है तो ये ई एक्स लिखा है, इसको एक्सपोनेंशियल सीरीज कहते हैं। तो ई एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो ई एक्स होता है, लेकिन अगर ई के पावर ए एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन होता है ई के पावर ए एक्स अपॉन ए, ठीक। अब इसी तरीके से अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे फोर ई थ्री एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन, तो फोर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन, तो ये फोर हो गया ई थ्री एक्स अपॉन थ्री प्लस इसका इंटीग्रेशन करोगी तो एक्स हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया फोर अपॉन थ्री ई थ्री एक्स प्लस एक्स प्लस सी। समझ में आ गया। अब मान लीजिए हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर अपॉन अंडर रूट एक्स। अगर मान लो अंडर रूट के क्वेश्चंस हैं तो हम इनको कैसे करेंगे, अभी जैसे मैंने बताया एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस थ्री एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस फोर अपॉन अंडर रूट एक्स। अब बेटा अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स के ऊपर वन बाई टू, तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के ऊपर टू इंटू एक्स के ऊपर, ये नीचे है तो ये माइनस वन बाई टू ऊपर जा कर के, यहाँ पर ये थ्री बाहर आ गया, एक्स के ऊपर वन माइनस वन बाई टू,
प्लस फोर एक्स के ऊपर माइनस वन बाई टू। ठीक है, यहाँ पर इसको अगर हम हल करते हैं, एक्स के ऊपर टू इंटू एक्स के ऊपर माइनस वन बाई टू, टू टू ज़ा फोर, फोर माइनस वन बाई टू यानी एक्स के ऊपर थ्री बाई टू, तो ये बन गया एक्स के ऊपर थ्री बाई टू। इसी तरह यहाँ पर इसको आप हल करोगी तो टू में से बन गया वन बाई टू, यहाँ पर आपने हल किया एक्स के ऊपर माइनस वन बाई टू। लेकिन अब फिर से इसके बाद हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये समाकलन के निशान को हटाने के लिए यानी समाकलन करने के लिए। अभी तो हमने नीचे वाला ये अंडर रूट एक्स सॉल्व किया है, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, बहुत ध्यान से करना। अब अगर हम सबके साथ एक एक करके करेंगे इसका समाकलन, तो एक्स के ऊपर थ्री अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री अपॉन टू प्लस वन, ठीक है। यस, यहाँ पर ये थ्री हो गया, एक्स के ऊपर वन अपॉन टू प्लस वन, यहाँ पर भी वन अपॉन टू प्लस वन, यहाँ पर ये फोर एक्स के ऊपर माइनस वन अपॉन टू प्लस वन, एक्स के ऊपर माइनस वन अपॉन टू प्लस वन, यहाँ पर क्या हो जाएगा फाइव अपॉन टू, यहाँ पर ये फाइव अपॉन टू, यहाँ पर ये थ्री अपॉन टू, दो एकम दो एक तीन बटे दो, यहाँ पर भी तीन बटे दो, यहाँ पर ये देखो फोर है एक्स के ऊपर वन बाई टू और यहाँ पर भी वन बाई टू, तो ये टू देखो ऊपर जाएगा, ये वाला टू भी ऊपर जाएगा, ये वाला टू भी, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा दो बटे पाँच, एक्स के ऊपर पाँच बटे दो, यहाँ पर ये ऊपर दो चला गया, अब तीन तीन कट गया तो टू आ गया केवल, एक्स के ऊपर थ्री बाई टू, यहाँ पर दो ऊपर गया तो दो चौको आठ, एक्स के ऊपर वन बाई टू। इस तरीके से हम मान लीजिए बेटा त्रिकोणमिति के सवाल है, त्रिकोणमिति के सवालों का समाकलन करना है साइन टू एक्स, ठीक है। तो इसमें क्या करो, ऐसे करते हैं लेट टू एक्स बराबर टी, तो यहाँ से इसका अवकलन करो यानी डिफरेंशिएशन, तो ये टू बन जाएगा और ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, तो यहाँ से टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी यानी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन टू। यहाँ पर जब हम समाकलन लिखते हैं तो ये डी एक्स लिखा जाता है, तो ये डी एक्स की जगह क्या हो गया डी टी अपॉन टू और टी की टू एक्स की जगह टी, तो ये मान हम जब रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन टी डी टी अपॉन टू डी एक्स की जगह। अब ये वन अपॉन टू कॉमन ले लेते हैं, ये बन गया साइन टी डी टी। साइन टी का जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो होता है माइनस कॉस टी, वो क्या होता है माइनस कॉस टी, तो हाफ माइनस कॉस टी, टी की जगह आप टू एक्स रखोगे तो माइनस हाफ कॉस टू एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। पॉज करी, अब मान लो एक क्वेश्चन है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इस तरीके से सवाल है, सेक एक्स को आप अंदर गुणा करिए, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पर त्रिकोणमिति के सूत्र याद होने चाहिए तभी आप इसको कर सकते हैं, तो सेक एक्स स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स और ये समाकलन हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कुछ फॉर्मूले जो भी इस क्वेश्चन में आ रहे हैं, अगर मान लीजिए सेक स्क्वायर एक्स है, इसका आप समाकलन करोगे तो टेन एक्स होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर कॉसेक स्क्वायर एक्स है तो इसका समाकलन करोगे तो माइनस कॉट एक्स होता है। इसी तरह से अगर हम सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन करेंगे तो टेन वो सेक एक्स होता है। अगर कॉसेक एक्स और कॉट एक्स का समाकलन करेंगे तो माइनस कॉसेक एक्स होता है। आगे फिर जब फॉर्मूले होंगे बाकी आप अपनी किताब से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो मेरा सवाल है इसमें आप देखिए ये सेक स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या हो गया टेन एक्स और यहाँ पर इसका समाकलन क्या हो गया सेक एक्स, और साथ में हमने जैसा कि आपको बताया था कि सी लिखा जाएगा। इस तरीके से आप त्रिकोणमिति के जो क्वेश्चन हो गए उनके लिए मेन आपको सूत्र अगर याद होता है तो बहुत आसानी से